Yes, okay. So hello students. Once again, welcome back on Explore Physics YouTube channel. Okay. So आज अपन discuss करेंगे IIT JAM 2023 physics के solutions की. Okay. तो one by one अपन जितने भी questions IIT JAM 2023 में पूछे हुए हैं सभी के solutions की बात करेंगे. ठीक है. तो देखो सबसे पहले quantum का question था, question number 32. Okay. तो सबसे पहले अपन quantum के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उसके बाद में वन बाय वन आपका जो है अदर सब्जेक्ट्स के निकल के आएंगे. तो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से. क्या है क्वेश्चन? द स्टेट ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन एज साई, आपको दे रखा है दिस. ठीक है, साई आपको 1/√3 साई नोट, -1/√6 साई वन, +1/√2 साई टू, वेहर साई नोट साई वन साई टू आर दी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकेंड. Which of the following statement is our true? कौन से इनमें से सही है? तो एक बार के लिए ये MSQ क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ था. ठीक है, MSQ क्वेश्चन था क्योंकि इजार आपसे साफ साफ बोल रखा है. अच्छा, सेकंड चीज देखो, ये पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा और सीधा स्टार्ट कर दिया. ठीक है, हाँ ठीक है, उनका तरीका भले ही यहाँ पे लग गया हो, है ना, कि हमने देखा क्वेश्चन को और हम सॉल्यूशन करने लग गए, लेकिन सबसे पहले आप फंक्शन को नॉर्मलाइज जरूर करेंगे. ठीक है, भले ही वो नॉर्मलाइज दे रखा हो, लेकिन ये अपनी हैबिट में डाल लीजिए आप कि नॉर्मलाइज हमें करना ही करना है. देखो अब कोई कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे सर नॉर्मलाइज तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन जो नॉर्मलाइज यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको साई नोट साई वन और साई टू नॉर्मलाइज दे रखा है, ना कि साई नॉर्मलाइज दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होगा. ठीक है, तो फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं भाई? फंक्शन को नॉर्मलाइज करने का तरीका जब मैंने बताया भी होगा क्लास में कि सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट साई इज इक्वल टू सी वन साई नोट, या सी नोट लिख दो इसको, प्लस सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये है, जब भी ये होता है तो इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है? सी नोट का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन आना चाहिए. तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर 1/6, इसका स्क्वायर 1/2, तो ये तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा? 1. इसका मतलब जो फंक्शन आपको दे रखा है वो नॉर्मलाइज दे रखा है, पहली चीज तो ये. ठीक है, सेकंड आपसे देखो पूछा हुआ क्या है, आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है? En इज इक्वल टू वन डायमेंशन में n+2h×ω. ठीक है, n बराबर होता है 0, 1, 2, 3, ये होता है तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से तुम्हारे पास चलते हैं. ठीक है, अब देखिए तुमसे ऑप्शंस में क्या बोला गया है कि ए मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज याइल्ड ई बराबर दिस विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. कहने का मतलब एनर्जी का मेजरमेंट किया जाता है इस सिस्टम साई के ऊपर, इस वेव फंक्शन साई के ऊपर. तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से है, है ना, तीसरा चौथा पोस्टुलेट्स आपके पास में पढ़ाया हुआ है ऐसा. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब मैं साई जीरो पे अप्लाई करूंगा, या फिर एक काम कीजिएगा, देखो क्या क्या वेव फंक्शन है, साई नोट साई वन साई टू. तो सीधी सी बात है आपके पास में निकल के आएगा एनर्जी ई नोट हाफ एच क्रॉस ओमेगा, क्योंकि एन बराबर मैं जीरो रखूंगा यहां पे, साई जीरो है, साई वन के लिए ई वन 3/2h×ω और ई टू 5/2h×ω. ठीक है, अच्छा ये जब एनर्जी को इस वेव फंक्शन पे मेजरमेंट किया जाता है तो इसके करस्पोंडिंग ई नोट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके मोड का स्क्वायर, ऐसे तो करते हो आप. तो ये कितना था? 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2. भाई ये 1/√2 ही तो था आपके पास में. देखो ये तुम्हारे पास कितना था, सॉरी 1/√3 था, 1/√3. ओके, ये तुम्हारे पास 1/√3 था, तो ये तुम्हारे पास देखो इस तरह से आ जाएगा. यस, ये तुम्हारे पास में 1/3, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/3. सेकंड देखो तुम्हारे पास क्या है, सेकंड 1/6 और थर्ड 1/2. ठीक है ना, सेकंड तुम्हारे पास है 1/6, इसका एनर्जी का प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2. ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है ए मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम याइल्ड दिस विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल हाफ एच क्रॉस ओमेगा आता है और प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आती है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन बी देखो आपके पास में क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम याइल्ड 5/3h×ω विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. क्या 5/3h×ω आएगा क्या? देखो 1/2, 3/2, 5/2, तो 5/3 आ ही नहीं सकता, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया.
ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसा है? अगर तुम्हारे पास सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट दे रखा है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी तुमसे पूछा जाता है तो क्या होता है फॉर्मूला? ई आई पी आई समेशन आई। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, आपको तीन वेव फंक्शन दे रखे हैं, तो ई जीरो पी जीरो पहले वाले का समेशन का मतलब होता है प्लस ई वन पी वन प्लस ई टू पी टू। देखो यही होगा तुम्हारे पास में। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एनर्जी ई नोट कितना है तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी? हाफ एच क्रॉस ओमेगा। और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3 है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, दिस इज 1/3 प्लस ई वन कितना है भाई? 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। एन बराबर 1 रख दो फॉर्मूले में। और प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 1/6 प्लस ई थ्री है 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपके पास में है 1/2। तो इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? 1/2 एच क्रॉस ओमेगा बाहर ले लीजिएगा, 1/3 प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा तुम्हारे पास बाहर चला गया, तो ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास एच क्रॉस ओमेगा बाई टू बाहर चला गया तो ये आ जाएगा 5/2। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा, एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 + 15 है ना, कैलकुलेशन देख लेना। तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा इंटू 20/6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 5/3 एच क्रॉस ओमेगा। ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन जिसको आप बोलते हो। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में है तुम्हारे पास में? ये तुम्हारे पास ऑप्शन के अंदर है 5/3 ऑप्शन सी। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक तो ऑप्शन ए एंड सेकेंड ऑप्शन सी, सेकेंड ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था आईआईटी जैम 2023 में, बिल्कुल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, एमएस के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन रहेगा। बाकी अपना आईआईटी जैम का नया बैच जो है मार्च में स्टार्ट होगा, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी उसका फीस काफ़ी कम रखा गया है, ऑफर के अंदर है। तो अगर आप अभी परचेज करते हैं उस बैच को तो आपका फीस स्ट्रक्चर ये रहेगा कि कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट इसको परचेज करता है तो फीस 16,500 रहेगा, और कोई भी अगर ऑफलाइन स्टूडेंट परचेज करता है तो 21,500 इसका फीस रहेगा। कंप्लीट आईआईटी जैम का सिलेबस करवाएंगे, ये कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी आपकी 28 फेब तक रहेगी भैया ना, 28 फरवरी 2024 तक, इसका मतलब एक साल से भी ज़्यादा हो, एक साल हो गया तुम्हारे पास लगभग, ठीक है ना। और इतना कम फीस के अंदर पूरे आपको आईआईटी जैम जेस्ट और टीएफआर का सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।